दोस्तों, इंसानों और जानवरों के बीच एक अलग ही प्रकार का रिलेशन है। हम दोनों एक दूसरे के बगैर इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते। कई बार आपने ये कहानी सुनी होगी या देखी होगी कि जानवरों ने कैसे इंसानों की जान बचाई है, जानवरों ने कैसे इंसानों की विपरीत स्थिति में मदद की है। लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे इंसानों ने जानवरों की रक्षा की है, कैसे अपनी जान को खतरे में डालकर इन इंसानों ने इन बेजुबान जानवरों की जान बचाई है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आपको दिखाते हैं हमारी नई वीडियो। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। नंबर 10, एक पुलिस वाला और एक घोड़ा। दुनिया में बहुत सारी आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेजन, कैलिफोर्निया। ऐसी घटनाओं में बहुत सारे लोगों और जानवरों को मदद की जरूरत होती है, मुख्यतः उन बेसहारा बेजुबान जानवरों को जो अकेले होते हैं। ऐसी ही घटना सामने आई जब यह घोड़ा भूखा और बेसहारा था। ये पूरी घटना तब बदल गई जब एक पुलिस वाले ने आग के लपटों के बीच जाकर इस घोड़े की जान बचाई। बहादुर पुलिस वाले ने अपने चेहरे पर मास्क लगाकर भयानक आग में छलांग लगा दी ताकि जहरीली गैस उसके शरीर में न जाए। इस तरह की आग की घटनाएं जानवरों को डरा देती हैं, मगर हमें पुलिस वालों का शुक्रगुजार होना चाहिए जो अपनी जान पर खेलकर इन बेसहारा बेजुबान जानवरों की जान बचाते हैं। नंबर 9, गधे और जंगल की आग। इस कड़ी में अगला नंबर है ऐसे दो असहाय गधों का जो कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग में फंस गए हैं। यह घटना 2018 की है जब इस आग में बहुत सारे लोगों और जानवरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन एक गधे खुशकिस्मत निकले जिन्हें फायर फाइटरों ने बचा लिया। ये गधे आग की वजह से इधर उधर भाग रहे थे जिन्हें फायर फाइटर्स ने स्वादिष्ट कपकेक का लालच देकर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं जानवरों और लोगों को हिलाकर रख देती हैं। इस तरह की घटनाएं ये बताती हैं कि दयालु और संवेदनशील लोग आज भी मौजूद हैं जो जरूरत के समय हमारी मदद को तैयार रहते हैं। नंबर 8, बंदर और ज्वालामुखी विस्फोट। एक जंगल की आग से ज्यादा भयानक क्या हो सकता है जब अब है ज्वालामुखी विस्फोट। यह घटना कुछ सालों पहले की है जब इंडोनेशिया के बाली शहर में माउंट अगुंग में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इस घटना की वजह से वहां रह रहे लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, और अपना सब कुछ छोड़कर जाना बहुत आसान नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को अपने पालतू जानवरों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा, मगर कुछ जानवरों ने वहां से भागकर अपनी जान बचा ली। ये कहानी इस बंदर की है जो वहां फंस गया था, मगर खुशकिस्मती से इस बंदर ने एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली जहां कुछ लोगों ने उसे बचा लिया। नंबर 7, निकोलस द रेड फॉक्स। जानवरों की कुछ प्रजातियों को विशेष रखरखाव की जरूरत होती है, और इस काम में बहुत सारी संस्थाएं अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट में लगी हुई हैं। उनमें से एक है फॉक्स प्रोजेक्ट, जो 90 के शुरुआती दशक से ग्रेट ब्रिटेन में चल रही है। ये कहानी है एक रेड फॉक्स निकोलस की जो सही समय पर सही इलाज के कारण बच गई। निकोलस मेंस नाम की एक त्वचा की बीमारी से ग्रस्त थी। मेंस एक अत्यधिक संक्रामक त्वचा रोग है जो जंगली स्तनपायी जानवरों पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है। बहुत सारे लोग इस बीमारी से ग्रस्त जानवरों को दूर भगा देते हैं। निकोलस बहुत भाग्यशाली थी जिसे फॉक्स प्रोजेक्ट की टीम ने बचा लिया। इस बीमारी को दूर करने के लिए काफी मालिश और देखभाल की जरूरत होती है। निकोलस अब स्वस्थ है और अपने घर लौट चुकी है। जानवरों में भी इंसानों की तरह भावनाएं होती हैं, वो भी घृणा की भावना को पसंद नहीं करते हैं। नंबर 6, तेंदुआ कुएं में। तेंदुए बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं, मगर डरावने भी। आप तब क्या करेंगे जब यह जानवर खतरे में हो और इसे आपकी मदद की सख्त जरूरत हो? आप लोगों को बहुत सोचना पड़ेगा कि क्या करें क्या नहीं। कुछ सालों पहले ऐसी एक घटना भारत में हुई जब एक 7 साल की मादा तेंदुआ एक 9 मीटर गहरे कुएं में गिर गई। सुबह जब एक आदमी पानी का मोटर चलाने वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो तेंदुआ कुएं में गिरा हुआ है जो लाचार और बेसहारा उसकी तरफ देख रहा है। वो आदमी वहां से भागा, तेंदुए से डर कर नहीं, स्थानीय प्रशासन को बताने और मदद मांगने। जाहिर सी बात है, प्रशासन बेहतर जानती है कि स्थिति में क्या करना चाहिए। स्थानीय प्रशासन को 40 किलोमीटर का सफर करके इस जगह पे पहुंचना था। तब तक कुछ स्थानीय लोगों ने सीढ़ी की मदद से तेंदुए को बाहर निकालने की कोशिश की। इतने में टीम वहां पहुंच गई और उन्होंने तेंदुए को सही औजारों की मदद से बाहर निकाल लिया। तेंदुआ बहुत ही डरा और थका हुआ था। उसके स्वस्थ होने के कुछ समय बाद उसे जंगल में वापस छोड़ दिया गया। यह सब संभव हुआ उस एक इंसान की वजह से। नंबर 5, न्यूयॉर्क सबवे ट्रेन के किनारे बकरियां। हम सब जानते हैं कि बकरियां फार्म में रहती हैं। यह घटना अगस्त 2018 की है जब न्यूयॉर्क सबवे ट्रेन के किनारे ये बकरियां पहुंच गईं। सुबह 10:30 बजे एक ट्रेन ऑपरेटर ने बकरियों को ट्रक के किनारे देखा।
उसने तुरंत ही अपने अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी। इन बकरियों को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की मदद से वहां से निकाल लिया गया। इन बकरियों ने सबवे को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया था, मगर काफी लोगों को यह समझ नहीं आया कि ये बकरियां यहां आईं तो आईं कैसे। कुछ लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि ये बकरियां स्लॉटर हाउस से भागकर यहां पहुंच गई होंगी। इन बकरियों के कानों के ऊपर कट लगे हुए थे। इन बकरियों को कुछ दिनों के बाद फार्म वापस पहुंचा दिया गया। जॉन और ट्रेजी स्टुअर्ट का धन्यवाद जो इनकी मदद से इन बकरियों को वापस उनके घर भेजा जा सका। नंबर 4, एक हाथी जो लोगों को सैर करवाता है। कुछ लोगों के लिए दक्षिण एशिया की यात्रा तब तक खत्म नहीं होती जब तक वे हाथी की सवारी नहीं कर लेते। हाथी की सवारी थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों में काफी लोकप्रिय है। ये सवारी हमारे लिए तो सुखद होती ही है, मगर शायद हाथी के लिए नहीं। बहुत सारे लोग टूरिज्म इंडस्ट्री में हाथी का उपयोग पैसा कमाने के लिए करते हैं और हाथियों को बहुत सारी प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ता है। बहुत दुखद है, मगर ये सच है। ऐसी ही एक कहानी है बुंडी नाम के हाथी की, जो थाईलैंड के पटाया शहर में लोगों को सवारी करवाते थे। बहुत सारी प्रताड़नाएं झेलने के कारण बुंडी आधी अंधी और लाचार हो चुके थे। बुंडी की स्थिति पर वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की नजर पड़ी और उन्होंने बुंडी को वापस सेंचुरी में भेज दिया। अब वो एक सुरक्षित वातावरण में रह सकते हैं। सेंचुरी में बुंडी को अपनी पुरानी दोस्त वनाडा मिल गई, जिसके साथ वो वहां पहले हाथियों के कैंप में रह चुके थे। नंबर 3, द लाइफ गार्ड और शार्क। जब कुछ जानवरों को हमारी मदद की जरूरत होती है तब भी हम उनसे दूर रहते हैं। आपने देखा कि कैसे भारत में एक तेंदुए को बचाया गया। यह बहुत मुश्किल होता है ऐसे जानवरों की मदद करना जो इंसानों के ज्यादा करीब नहीं होते हैं। इस कड़ी में अब एक ऐसा जानवर है जिसकी न जाने किस तरह मदद करें, और वो जानवर है शार्क। शार्क काफी डरावनी होती है और इसके इंसानों पर हमले कभी कभी जानलेवा भी होते हैं। शार्क में टाइगर शार्क, हैमरहेड शार्क और बुल शार्क काफी खतरनाक होते हैं। इस कहानी में एक शार्क बीच पर फंस गई है और पानी में वापस नहीं जा पा रही है। एक लाइफगार्ड को इसकी स्थिति का पता चलता है और वो तुरंत मदद के लिए वहां पहुंच जाता है। लाइफगार्ड शार्क को सर्फ बोट पर रखता है और गहरे पानी में छोड़ देता है। यह दिन इस शार्क के लिए एक लकी दिन था कि एक इंसान उसकी मदद को मौजूद था। बहुत बार शार्क ऐसी परिस्थितियों में फंस जाती हैं जहां उनकी मदद कोई नहीं कर पाता। कुछ इनसे डरते हैं तो कुछ इनके साथ सेल्फी लेने लग जाते हैं। नंबर 2, एक बच्चा कुत्ते को बचाने के लिए पानी में लगभग पूरा डूब गया। अब वक्त है सबसे बेहतरीन फोटो का। आप किसी जानवर की मदद के लिए किस हद तक जा सकते हैं? क्या आप किसी जानवर को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल सकते हैं? ये फोटो दिखाती है कि ये लड़का अपने कुत्ते से कितना प्यार करता है जो पानी में लगभग डूब चुका है और उस कुत्ते को सिर पे उठाए हुए है। इस फोटो के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। मेक्सिको में 2013 में आई बाढ़ के दौरान ये फोटो काफी चर्चा का विषय रही थी। भयानक बाढ़ के दौरान इस बच्चे ने अपने आप को और इस कुत्ते को बचा लिया। प्राकृतिक आपदाएं इंसानों और जानवरों दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं। इस तरह की घटनाएं हमें यही सिखाती हैं कि वक्त आने पर हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नंबर 1, अनाथ गैंडा। अफ्रीका महाद्वीप अपने जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शेर, जीब्रा, गेंडे, हाथी, जिराफ इस तरह के जानवर पाए जाते हैं। काफी बार ये जानवर ऐसी जगह पे भी देखे गए हैं जहां इनके लिए पाए जाने की उम्मीद काफी कम होती है। 2014 में एक छोटे गेंडे को क्रूगू नेशनल पार्क के आसपास अकेले पाया गया। इस गेंडे के माता पिता को शिकारियों ने मार डाला था, जिसके बाद यह अनाथ हो गया था। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स ने सबसे पहले इसको देखा, जिसके बाद इसे सही देखरेख मिल सके। सबसे पहले उन्होंने इसे पानी पिलाया और इसे एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जहां पर इसे इलाज और देखरेख मिल सके। मनुष्य और जानवर प्रकृति की नायाब रचनाएं हैं जो किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं। यह कहानी दिखाती है कि हम अपनी क्रूरता को छोड़कर एक बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, एलिफेंट्स दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में शुमार होते हैं और ये हर जू की शान होते हैं। आप सबने भी एलिफेंट्स तो जरूर देखे होंगे। इनका कलर डार्क होता है, लेकिन क्या आपने कभी व्हाइट एलिफेंट देखा है? व्हाइट एलिफेंट हाथियों की सबसे रेयर प्रजाति है और इनका कलर कम्प्लीटली व्हाइट नहीं होता और इसमें एक हल्का सा ब्राउन शेड होता है। हालांकि जब ये बैठते हैं तो पिंक नजर आते हैं। आपको बताएं कि इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा व्हाइट एलिफेंट्स बर्मा के रूलर के पास हैं। इसके अलावा जो थाईलैंड के किंग हैं उनके पास 11 व्हाइट हाथी हैं जो अभी भी जिंदा हैं। और क्योंकि ये जानवर बहुत ही कम पाए जाते हैं, ये बादशाहों की शान माने जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें।